अगर कोई नेता हार जाता है तो उसके समर्थक उदास हो जाते हैं, लेकिन तस्वीरों में दिख रहे इस बुजुर्ग को केपी सिंह की हार की इतनी खुशी मिली कि उन्होंने अपना सर तक मुंडवा लिया। हाल ही में हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इसी कड़ी में शिवपुरी सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी केपी सिंह चुनाव हार गए, लेकिन उनकी हार से बुजुर्ग गोविंद सिंह लोधी बेहद खुश हुए। दरअसल गोविंद सिंह लोधी ने चुनाव से पहले प्रण लिया था कि वो केपी सिंह की हार पर अपना सर मुंडवा लेंगे, क्योंकि गोविंद सिंह लोधी पिछले 15 सालों से केपी सिंह की हार का इंतजार कर रहे थे। 15 साल पहले किसी मामले की फरियाद लेकर गोविंद सिंह तत्कालीन पिछौर विधायक केपी सिंह के पास पहुंचे थे, तब केपी सिंह ने उनकी फरियाद सुनने की जगह उन्हें भगा दिया था। 2008 में मेरा भाई का एक्सीडेंट हुआ था। हाँ। तो एक्सीडेंट हुआ तो करेली पत्नी का नाम लिखा गया, तो उसमें माता जी का नाम नहीं लिखा था। तो मैंने दरखास्त बनवा के, और केपी सिंह विधायक थे उस समय, तो उनके पास मैं ले गया और डाक बंगला पे मैंने दी। और डाक बंगला पे दी तो मेरे से पूछा कि कहाँ से आए, तो मैंने कहा मैं ग्राम जराय से आया हूँ। तो मेरी एप्लीकेशन फाड़ के फेंक दी और मुंह में चाटा दे दिया था। तो अच्छा। मैंने उसी दिन ये प्रण किया था, जब आप हारोगे तो मैं हार देख लूँगा। उसी दिन मैं अपने दादी मूछ का प्रण किया था कि मैं तुम्हारा घर। ऐसा ही एक और मामला हाल ही में देखने को मिला था, जिसमें चुनाव से पहले कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने प्रण लिया था कि अगर वो चुनाव हार गए तो अपना मुंह काला करेंगे, और उन्होंने ऐसा किया भी। ठीक उसी तरह गोविंद सिंह का जैसे ही प्रण पूरा हुआ उन्होंने अपना सर मुंडवा लिया।